बार की बात है, एक घने जंगल में एक पति पत्नी अपने दो छोटे छोटे बच्चे सनी और डॉली के साथ रहते थे। वह लोग खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनका पिता जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ था। माँ और बच्चे घर में अकेले थे। अचानक जंगल में घूम रहे एक शेर ने उनके घर पर हमला कर दिया। बच्चों भागो। माँ अपने बच्चों को जैसे तैसे घर में बंद कर देती है, पर जैसे ही खुद को बचाने के लिए घर में जाने लगती है, शेर उसे मार डालता है। बच्चे बेचारे रोते रह जाते हैं। तभी उनका पिता वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और शेर को मार डालता है। और रोने लगता है। बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए दोबारा शादी कर लेता है ताकि उसके बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। पर कृष्णा जिससे दोबारा शादी करता है, वह एक दुष्ट औरत थी। उसका नाम हेल्गा था। पत्नी पति के जंगल चले जाने के बाद वो बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, उनसे बहुत काम करवाती थी। दिन हेल्गा कृष्णा से कहती है, एक तो जंगल में सूखा पड़ा है, ऊपर से इन दो बच्चों को खिलाना पालना कहाँ से होगा। मैं कल इन बच्चों को पास वाले शहर के अनाथालय में छोड़ आऊंगी। पति बेचारा उदास हो जाता है और बोलता है, नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो हमारे बच्चे हैं। नहीं मैं कल उन्हें छोड़ आऊंगी, वरना सब लोग भूखे मरेंगे। पति बेचारा उदास हो जाता है। सनी उस समय सोया हुआ नहीं था। उसने अपने मम्मी पापा की बात सुन ली और रोने लगा। उन्हें स्कूल ले जाने के बहाने अनाथालय में छोड़ आती है।
बच्चे अनाथालय में पढ़ते हैं। शाम को जब उन्हें कोई वापस लेने नहीं आता तो दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। अनाथालय में उन बच्चों की दोस्ती एक बंदर से होती है। बंदर के साथ खेलते खेलते दोनों बच्चे जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं। डॉली को एक चमकता हुआ दरवाजा नजर आता है। वह अपने भाई से बोलती है, देखो भाई जादुई दरवाजा। बंदर उछलते उछलते उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। बच्चे भी उसके पीछे पीछे उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उन्हें आइसक्रीम की दुनिया दिखाई देता है। सभी हैरान हो जाते हैं और इधर उधर खेलने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है और बोलता है, हेलो बच्चों, मैंने यह आइसक्रीम वर्ल्ड तुम जैसे प्यारे बच्चों के लिए ही बनाई है। चलो मैं तुम्हें ढेर सारा आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाता हूँ। जैसे ही बच्चे अंदर जाते हैं, वह आदमी अपने जादू से दरवाजा बंद कर देता है और हंसने लगता है। बंदर और बच्चे घबरा जाते हैं। वह बंदर और सनी को कैद कर देता है। और सनी और बंदर को पकाकर खाने के लिए डॉली से पानी गर्म करवाता है। डॉली सहमी समी पानी गर्म करने गलती है। तभी वह जादूगर डॉली के पास आता है और कहता है, क्या पानी गर्म हो गया? मैं इतनी छोटी हूँ कि ऊपर तक नहीं देख सकती, आप खुद ही देख लो। पानी के पास जाता है, डॉली उसे पानी में धक्का दे देती है और वह जादूगर जलकर मर जाता है।
वह तुरंत बंदर और सन्नी को आजाद करती है। और जादूगर की सारी धन संपत्ति लेकर भाग जाती है। भागते भागते उन्हें अपने घर का रास्ता नजर आता है। वह तीनों घर पहुंचते हैं। पिता बाहर उदास बैठा था। दोनों बच्चे जाकर पिता से लिपट जाते हैं और बंदर भी। उनका पिता उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, पर अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।